बातचीत के प्लेटफॉर्म दोनों ही तरफ से बात कही जा रही। सरकार ने कहा कि आइए बातचीत करेंगे क्योंकि बैठकर समस्या का हल होगा। लगातार सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म कीजिए और इसी को लेकर बातचीत होगी या नहीं, पहली बात। दूसरी होगी तो किस किस एजेंडे पर होगी, उसको लेकर आज बैठक होनी। जितेंद्र नजरा बना रहे के शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में बस अब 4 सीटों के नतीजे आने बाकी रह गए हैं। 74 पर बीजेपी जीत चुकी है, नंबर वन पार्टी बनी है। गुपकार का भी जोरदार प्रदर्शन रहा है, गुपकार को 112 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं, अन्य के खाते में 64 सीटें गई हैं। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, 4 ही सीटें बच चुकी जिसका नतीजा आना भी बाकी, लेकिन बड़ी उपलब्धि जो है वो बीजेपी के लिए, लेकिन इस बीच किस तरह के बयान आ रहे हैं जरा वो सुनिए, फिर अशरफ के पास चलेंगे। अगर वाकई लोग, जिस तरह बीजेपी ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह मरकजी हुकूमत ने हर जगह अपने नुमाइंदे भेज के ये कहा कि नहीं जी लोग हमारे साथ हैं, पिछले साल जब हम बंद थे तो ईयू के ये एमपीज आए, उन्होंने मुल्क दुनिया भर के एम्बेसडर्स यहाँ लाए और कहा कि देखिए आप लोग इस फैसले के साथ हैं। आज उस प्रोपेगेंडा का लोगों ने जवाब दिया, लोग इस फैसले के साथ नहीं हैं। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि DDC के चुनाव में वो मतदान कर सके, और प्रसन्नता की बात ये है कि ना केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़ कर भाग लिया, रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, BDC के चुनाव, DDC के चुनाव हों, वो सब हुए।